दोस्तों, सुपरस्टार ऋतिक रोशन की फिल्म क्रिश 4 को लेकर काफी समय से कई सवाल खड़े किए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि ऋतिक इस फिल्म के साथ शायद ही कभी वापस आएं, क्योंकि काफी समय से राकेश रोशन बीमार थे। लेकिन अब ऐसी खबर आ रही है जो ऋतिक रोशन के फैंस को खुश करने के लिए बहुत है। जी हाँ दोस्तों, आखिर कौन सी है वो खुशखबरी, जानने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें। हाल ही में एक्टर ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर रिलीज हुई थी, जिसने पहले ही दिन कई रिकॉर्ड तोड़े थे। अब खबर सामने आई है कि कैंसर का इलाज कराने के बाद फिल्म मेकर राकेश रोशन ने क्रिश फ्रेंचाइजी पर काम करना शुरू कर दिया है। अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए ऋतिक रोशन ने कहा कि वो जल्द ही सुपर हीरो पर बेस्ड फिल्म क्रिश सीरीज के चौथे पार्ट पर काम शुरू करेंगे। वो इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। उन्होंने कहा, वॉर रिलीज हो गई है, अब मैं अपने पिता के साथ बैठूंगा और सभी के साथ मिलकर क्रिश 4 पर दोबारा काम शुरू करूंगा। पापा की हेल्थ की वजह से हमने इससे थोड़ा किनारा कर लिया था, लेकिन अब वो बेहतर हैं, हम इस पर एक बार फिर काम शुरू करेंगे। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के लीड रोल वाली हालिया रिलीज फिल्म वॉर को ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो वहीं पिछले दिनों ये खबर आई थी कि क्रिश 4 को अब बाहुबली की तरह एक साथ दो भागों में बनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि क्रिश 4 और क्रिश 5 को एक साथ लिखा जा रहा है और उसे एक साथ बनाकर कुछ अंतराल के बाद रिलीज किया जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे बाहुबली पहले भाग को द बिगिनिंग और दूसरे को कंक्लूजन के नाम से रिलीज किया गया था। क्रिश सीरीज की शुरुआत 2003 में हुई, लेकिन उसके पहले भाग का नाम कोई मिल गया रखा गया था। 2006 में क्रिश नाम से फिल्म आई, लेकिन उसके टाइटल में 2 नहीं जोड़ा गया। साल 2013 में क्रिश 3 बनी, तीनों ही भाग हिट रहे। याद हो, ऋतिक रोशन ने मुंबई में हुए एक कार्यक्रम में कहा कि क्रिश 4 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, अभी स्क्रिप्ट्स पर काम चल रहा है। और दोस्तों, अगर बात करें फिल्म के स्टार कास्ट के बारे में, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, क्रिश 4 में ऋतिक रोशन मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। वहीं अगर बात करें फिल्म की लीड एक्ट्रेस की, तो राकेश रोशन चाहते हैं कि इस फिल्म में एक स्थापित एक्टर के साथ साथ एक नए चेहरे को भी लेकर आया जाए, और इसके लिए एक्ट्रेस भूमिका और कृति शैनन का नाम सामने आ गया है। वहीं कहा जा रहा है कि इस फिल्म में ऋतिक की जोड़ी कटरीना कैफ के साथ भी देखी जाएगी। साथ ही फिल्म में एक और चेहरे का नाम आ चुका है, और दोस्तों कहा जा रहा है कि फिल्म में नवाजुद्दीन भी एक्टिंग करते नजर आएंगे। हालांकि अभी तक इस बात से पर्दा नहीं उठ पाया कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर इस फिल्म में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि क्रिश 4 और क्रिश 5 जल्द से जल्द रिलीज हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में यस लिखकर जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें,